जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेस्ट टॉप स्टडी। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। सो बच्चों, आज हम मॉडल पेपर का सेट लेकर के आए हैं जो कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। तो वो मॉडल पेपर है बच्चों, साइंस का मॉडल पेपर है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते अपने टॉपिक की ओर बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, साइंस का मॉडल पेपर है। ये कौन सा मॉडल पेपर है बच्चों? ये साइंस का मॉडल पेपर है। ये जो मॉडल पेपर है बच्चों, साइंस का मॉडल पेपर है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दिख रही बेल आइकन को प्रेस करके और आल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बच्चों। तो आज हम केवल खंड का क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम ओनली प्रश्न नंबर एक और प्रश्न नंबर दो ही के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो खंड का के अंतर्गत हम देखेंगे, प्रश्न नंबर एक के अंतर्गत चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं और चार नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो इस मॉडल पेपर को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप जाकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल साइट है। तो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किस पर बन सकता है बच्चों? अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो बच्चों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, जैसा कि ये मॉडल पेपर जारी किए गए इसमें भी थोड़ा गलतियां की गई, क्योंकि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो ओम मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर ओम मीटर स्क्वायर दे दीजिएगा। तो पता नहीं, ये गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है छापने में प्रिंट करने में थोड़ा गलतियाँ हो सकती हैं। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओनली ओम मीटर होता है, ओम मीटर स्क्वायर नहीं होता बच्चों, ओम मीटर होता है। और अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है बच्चों, ओम होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक दिया गया है, तो एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। तो ओम मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ओनली ओम मीटर होगा बच्चों। हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। अब देखो, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा क्या किया जाए, विद्युत धारा उत्पन्न हो, वो बच्चों जनित्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जनित्र, जनित्र अर्थात जनरेटर जिसे कहते हैं बच्चों, जनरेटर कहते हैं ना, जनित्र अर्थात डायनमो, जनरेटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है बच्चों, क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, पश्चमाभि द्वारा, पश्चमाभि अर्थात मसल्स, क्या मसल्स द्वारा, मसल्स, राइट। तो हमारा ये बच्चों बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे भौतिक से संबंधित। तो ये विज्ञान का तीन सेट बच्चों बन जाता है, खंड तीन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक्शन तीन में कन्वर्ट हो जाता है, खंड का और खंड का के अंतर्गत। तो खंड का के अंतर्गत बच्चों फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा है प्रश्न नंबर एक। अब प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है? पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं उत्तर नंबर का, क्योंकि यह वस्तुओं का सीधा पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं।
क्योंकि क्या होता है, वस्तुओं का सीधा, इसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, सीधा पूर्ण और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए क्या करते हैं, वो जो उत्तल दर्पण होता है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसे वरीयता दी जाती है। राइट, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी अर्थात यफ दी गई है बच्चों, यफ दी गई है 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितने दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। दो नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो दो नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, दे दिया गया फोकस दूरी इतना दे दी गया और बी बराबर दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो इसे हल करते हैं, उत्तर नंबर खा, अवतल लेंस के लिए बच्चों यम तथा यफ जो होता है ना, अर्थात फोकस दूरी और जो आवर्धन होता है इसका ऋणात्मक होता है। राइट, दिया गया है कि यफ बराबर, देखो यफ का मान ऋणात्मक ही आएगा क्योंकि 15 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर -15 सेंटीमीटर, बी बराबर -10 सेंटीमीटर, और यू हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। ओके, तो लेंस का जो बच्चों सूत्र होता है 1/b - 1/u = 1/f, ये इसके बच्चा अवतल लेंस का सूत्र है, तो इसे नोट कर लो। तो बच्चों जब इसे क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो यफ का मान क्या दिया गया है, अच्छा बी का मान क्या दिया, -10, अर्थात 1/-10। उसके बाद u का मान तो दिया नहीं गया, यानी -1/u, और 1/f का मान कितना है, -15। तो चलो इसे फिर हल कर देते हैं, 75 कर देते हैं, तो बराबर 1 - -1/10। ओके, उसके बाद यफ इधर आ जाएगा, तो इधर देखो माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर के उस पार माइनस में हो तो उसके बाद उस पार चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/15 बराबर 1/u, तो 1/u बराबर। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, यानी 15 × 2 = 30, 15 × 2 = 30, 10 × 3 = 30, यानी 10 × 3 = 30, उसके बाद 15 × 2 = 30, अर्थात इसका हम एलसीएम लेंगे तो 30 को 30 कॉमन कर दो, उसके बाद 15 × 2 = 30, 10 × 3 = 30, तो 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30, तो ये आ गया बच्चों। उसके बाद यू का मान जो आएगा 30 सेंटीमीटर, अर्थात -30 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस माइनस, इसलिए माइनस आ गया, -30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, क्या करेंगे, वस्तु जो होगा लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जरा दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर नंबर 3, इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होता है, अर्थात निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोनों होता है, जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, जिससे क्या होता है, मनुष्य दूर की वस्तुओं और नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो इस दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, निवारण देख लेते हैं बच्चों, जरा दृष्टि दोष का निवारण भी दूर दृष्टि दोष के समान उत्तल लेंस के उपयोग से किया जाता है। जिस प्रकार दूर दृष्टि के समान उत्तल लेंस के उपयोग से किया जाता है, ये जरा दृष्टि दोष का निवारण। राइट, आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए, तो हम इसे पार्ट वाइज बच्चों विभाजित कर दे रहे हैं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पार्ट टू और वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और यदि आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और
और ये पास में आपको हमारे इंस्टाग्राम की भी आईडी दे दीजिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो तब तक बच्चों दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।